हेलो डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड टूडे आई विल टेक द नेक्स्ट पैसेज विच इज गिवन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टीन एंड टॉपिक इज लेक्स ओके है लेट स्टार्ट अ लेक इज एन एरिया ऑफ वाटर दैट हैज़ लैंड ऑल अराउंड इट ये बोल रहे हैं कि लेक क्या है एक ऐसा एरिया है पानी का जो कि चारों तरफ से के चारों तरफ क्या होता है लेड होती है इट मे बी सो स्मॉल डैट वी कॉल इट अपॉन और इट मे बी सो वाइड डैट वी कैन नॉट सी द अदर साइड तो ये बोल रहे हैं कि ये इतना भी हो इतना छोटा भी हो सकता है जिससे कि हम क्या बोल सकते हैं छोटा तो है जिससे कि हम क्या बोल सकते हैं पौंड बोल सकते हैं पर इट मे बी सो वाइड इतना बड़ा भी हो सकता है कि हम उसका दूसरा जो हिस्सा है वो ना देख सकें मतलब तो छोटा होगा तो हम उसको आसानी से दिख जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पौंड और इतना बड़ा भी होता है लेक कि हम उसका दूसरा हिस्सा देख नहीं पाते हैं द लार्जेस्ट लेक इन दर्ल्ड इज़ लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका और सबसे बड़ा जो लेक है वर्ल्ड में उसका नाम है लेक सुपीरियर जो कहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में है इट कवर्ड्स मोर देन एट्टी टू थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर एंड इन वन प्लेस इट इज़ फाइव सिक्सटी थ्री किलोमीटर वाइड बोल रहे इसने कितना एरिया कवर कर रखा है एट्टी टू थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर और इन वन प्लीज और एक जगह पर कितने किलोमीटर वाइड है मतलब फैला हुआ है फाइव सिक्सटी थ्री द वाटर इन लेक मोस्टली कम फ्रॉम रेन अभी बोल रहे हैं कि जो तो पानी है लेक के अंदर मोस्टली कहाँ से आता है रेन से आता है अब देख रहे हैं कैसे माउंटेन पे रेन गिर रही है फिर उससे पानी आ रहा है इट रंस ऑफ द लैंड इन टू द रीवर एंड स्ट्रीम डैट पुर इं टू द लेक ठीक कहते है हैं ये जो रन ऑफ करता है इसमें लैंड के ऊपर ठीक है उसके बाद कहता है इन टू द रिवर जा कर किस में मिलता है ये रिवर्स में और स्ट्रीम में जो फिर बाद में क्या करता है पोर इन टू अ लेक लेक में जाकर ये मिल जाता है मतलब वहाँ पर लेक बन जाता है समटाइम देयर आर नो स्ट्रीम और रिवर पोरिंग वाटर इंटू द लेक द वाटर कम्स फ्रॉम ग्राउंड स्प्रिंग और कई बार ऐसा होता है ये बोल रहे कि ना तो कोई रिवर सॉरी स्ट्रीम ना कोई रिवर जो है आ, पानी भरती है लेक के अंदर और जो पानी है कहाँ से आता है अंडरग्राउंड आता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग तो नीचे से पानी निकल के आता है ऊपर की तरफ उसको हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग वाट स्प्रिंग्स ठीक है Springs, तो कई बार ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि पानी जो है मोस्टली जो है रिवर और स्ट्रीम जो है कि पोरिंग से जो तो लेक बनते हैं बट कई बार ऐसा भी होता है कि ना तो स्ट्रीम होती है ना रिवर होता है लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है उससे क्या बनते हैं लेक बन जाते हैं ऑल दीज लेक्स आर कॉल्ड नेचुरल लेक्स तो इस तरह के जो लेक्स होते हैं क्योंकि रिवर स्ट्रीम और अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल लेक ओके बट समाइम पार्ट ऑफ अ रिवर मे बिकम अ ओके बट कई बार ऐसा होता है कुछ जो रिवर का पार्ट होता है उसको क्या बना दिया जाता है लेक बना दिया जाता है पीपल में मेक अ न्यू लेक बाय बिल्डिंग अ डैम और जो पीपल है जो है नए लेक्स बनाते हैं कैसे डैम बनाकर जब वो डैम बनाएंगे तो पीछे क्या हो जाएगा लेक फॉर्म हो जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो डैम बनाकर भी न्यू लेक्स बनाते हैं सच लेक्स आर कॉल्ड मैन मेड लेक्स तो जिस इस तरह के जो लेक हैं जो कि पीपल्स um, के द्वारा बनाते हैं ह्यूमन्स के द्वारा बनाए जाते हैं ठीक है ठीके? उन लेक को क्या बोला जाता है मैन मेड लेक ठीक है कि इंसान के द्वारा बनाए गए लेक्स होप यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज नाउ वी विल टेक द एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए टू वन यहाँ पर है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स तो ट्रू एंड फॉल्स हमें यहाँ करना है फर्स्ट हमारे पास है अ लेक इज लैंड सराउंडेड बाय वाटर तो ये क्या है हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स है या yes. जो लेक्स होते हैं सराउंडेड बाय वाटर होते हैं कि लैंड होते हैं अभी हमने पढ़ा लैंड होते हैं तो यहाँ पर आएगा फॉल्स लिखो लेक इज लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऐसा नहीं होता सर बॉय वाटर में पता है क्या आइलैंड्स होते हैं तो ये क्या है फॉल्स है नेक्स्ट वैन अ लेक इज़ वेरी स्मॉल इट इज़ कॉल्ड अ पॉन्ड जो लेक्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे लेक होते हैं वैन लेक इज़ वेरी स्मॉल इट इज़ कॉल्ड अ पॉन्ड बिल्कुल सही ट्रू पॉन्ड्स भी बोलते हैं छोटे छोटे लेक्स क्या बोला जाता है पॉन्ड्स कहा जाता है नेक्स्ट इज लेक सुपीरियर इज इन साउथ अमेरिका सो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि लेक सुपीरियर है वो कहाँ है नॉर्थ अमेरिका में so, हम False. Okay. Next is, तो हम लिख देंगे फॉक्स ओके नेक्स्ट है लेक्स आर ऑल्सो फॉर्म बाय वाटर गर्शिंग आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स तो यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है ट्रू है लिख देंगे हम ट्रू लेक्स है लेक आर फॉर्म बाय वाटर ग्रशिंग आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स नेक्स्ट है नेचुरल लेक इज फॉर्म बाय अ रिवर बिल्कुल ट्रू नेचुरल लेक इसके द्वारा बनाए जाते हैं स्ट्रीम्स और रिवर्स के द्वारा और अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज ए एक टू टू टिक द करेक्ट आंसर तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ये कि और करेक्ट आंसर पर हमें टिक लगाना है तो फर्स्ट है यहाँ पर लेक्स आर तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ऑलवेज वेरी बिग ये नहीं है ऑलवेज वेरी स्मॉल हमेशा छोटे भी नहीं होते हैं बोथ बिग एंड स्मॉल तो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट इस पर हम लगा देंगे टिक नेक्स्ट okay. है हमारा बिग क्वेश्चन भी है तो वाटर इन लेक्स यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन है कम्स फ्रॉम ब्रेंस तो लेक में वाटर होते कहाँ से आते हैं रेन से आते हैं कम्स फ्रॉम रिवर्स ठीक है कम्स फ्रॉम स्प्रिंग्स या मे कम फ्रॉम ऑल द अबव जो ऊपर बताए कितने भी हैं इन सभी से जो है आ, लेक के अंदर वाटर आता है बिल्कुल सही लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि मे कम फ्रॉम ऑल द अबव नेक्स्ट है बी व्हेन अ लेक इज़ फॉर्मड बाय

स्मॉल लेक्स में भी कॉल्ड एंड छोटे लेक्स को सुनने क्या बोलते हैं हम पॉन्ट्स स्प्रिंग और रिवर क्या कहते हैं पॉन्ट्स कहा जाता है स्मॉल लेक्स को ठीक है डे टूमो आई विल ट नेक्स्ट पैसेज वट विल यू डू यू विल रीड इट दिस पैसेज इसको आप पैसेज को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ठीक है और एक दोबारा आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इतना सब वर्क आपको करना है ठीक है थैंक यू हैव ए नाइस डे